हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, मेरी घुटनों की दवाई लाना मत भूलना तुम। माँ जी, आज जरा ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, देरी हो जाएगी। देर हो जाएगी तो मेरे दर्द का क्या होगा? मैं दर्द से मरती रहूं क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं अर्जुन के हाथ आपकी दवा भिजवा दूंगी, आप उसकी फिक्र मत करिए। हाँ, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बस दूसरों पे थोपती रहो तुम। माँ जी, अभी स्कूल छूट गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैम, आपने पिछले हफ्ते एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था? हाँ हाँ जी, वो जूसर चलते चलते बंद हो जाता है। मैम, आपकी आवाज कट रही है, जरा नेटवर्क एरिया में आएंगे प्लीज। हाँ हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो, ठीक है। रमन भैया, अर्जुन अभी यही तो था, कहाँ चला गया? अरे मैडम जी, अभी तो इधर ही गया, देखिए इधर उधर कहीं चला गया होगा। अर्जुन, अर्जुन अंदर भी नहीं है। आपको नहीं मिला? नहीं। ये तो अर्जुन का बैग है और उसके जूते। हे भगवान, इसका मतलब ये है कि उसे कोई उठा ले गया, लेकिन ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी, बचाओ! ठीक 15 मिनट बाद घर के लैंडलाइन पे फोन आएगा, अगर अर्जुन चाहिए तो उसे। मैडम जी, मैडम जी, क्या हुआ? अरे तू तो सामान लेने गई थी ना, फिर हाथ खाली क्यों है? कहाँ गया सारा सामान? अर्जुन, क्या अर्जुन कहाँ है? उसे स्कूल से लाना भूल गए क्या? एक भी काम इससे ठीक से नहीं होता है। अब रो क्यों रही है? माँ जी, किसी ने अर्जुन को स्कूल से किडनैप कर लिया। क्या? ऐसे कैसे कोई उसे किडनैप कर सकता है? अगर मेरे अर्जुन को कुछ भी हुआ ना। ऐसा मत कहिए माँ जी, मेरे अर्जुन को कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ देखो देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो, पैसे लाए हो? हाँ, मैं पैसे ले आया हूँ और मैं पहुँच गया हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। शाबाश, अब एक काम करो, तुम्हारे सामने जो गली है उधर आओ। देखा तोहफा? गन? हाँ, गन नहीं तो और क्या तुझे समोसा मिलेगा यहाँ पे? चल जल्दी से गन उठा और गेट के बाहर आ। चल जल्दी।
सामने जो बुढ़िया के बाल वाला दिख रहा है उसे गोली मारो। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं और पैसे ला दूंगा, प्लीज तुम मुझसे ये काम मत करवाओ। मैं जो कह रहा हूँ वही करो, चलाओ गोली, फोन रखो और गोली चलाओ। अरे मैडम, इतनी रात को आप इस सुनसान गली में क्या कर रही हैं? सॉरी, वो मैं दरअसल रास्ता भटक गई थी। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी लेकिन मिल नहीं रही है। गाड़ी? देखिए हम पुलिस वाले हैं। क्या कलर है, क्या नंबर है? गाड़ी का नंबर है 6426, सफेद कलर की गाड़ी है। 6426, तुम आगे देखो, चलिए मेरे साथ। ये रही आपकी कार। थैंक यू। देखिए ना, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, ऐसे कैसे भूल गई। देखिए, ये रास्ता इतना सेफ नहीं है, यहाँ पर अपराधी घूमते रहते हैं, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। चलिए मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं, चलिए बैठिए। शर्ट है यार, मुझे उल्लू बना रहे हो ना, अभी पकड़ कर दिखाता हूँ। अरे वाह, बुढ़िया के बाल। अरे दो दो फ्री में। लगता है इस गाड़ी में और होंगे। सीधे सीने पे गोली मारी है और देख के लगता है खून में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मल्हार, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर, ये एक फेरी वाला है। कोई एक फेरी वाले को क्यों मारेगा सर? लूटपाट और पैसों के लिए तो खून हुआ नहीं है, शायद लड़ाई झगड़ा और बदले की वजह से खून हुआ है। ये देखा, घसीटने का निशान।
मलार की चप्पल। कुछ मिला क्या? जी सर। क्या है? सर ये देखिए खून की बूंदें। हो सकता है यह खून मल्हार का ही है। नहीं निखिल, यह खून यह हत्यारे का ही है। ये देखा, नल पे भी खून लगा हुआ है। सर इसका मतलब मल्हार की उस खूनी के साथ हाथापाई हुई और खूनी को चोट लग गई, उसका ये नल के पास आया अपना खून धोने के लिए। मल्हार के शरीर पे हाथापाई के बिल्कुल भी निशान नहीं है। ये खून की बूंदे हैं। ये खिड़की पे भी खून के बूंदे हैं। इसका मतलब होल्ड इट प्लीज। क्या नाखून? ओह, अब पता चला। सर नाखून से क्या पता चलेगा? हुआ कुछ ऐसा कि मल्हार यहाँ कहीं खड़ा होगा जब खूनी ने उस पर गोली चलाई, उसके बाद लाश को घसीटता हुआ कार तक ले गया। चूंकि ये दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता है, उसने खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला और दरवाजा खोला, और ऐसा करने में नाखून यहाँ पे कहीं आके अटक गया। उसके बाद खूनी ने दर्द सहते हुए लाश को अंदर उठाया और वहां पे रख दिया। इसके लिए उसके कंधे पे यहाँ पे खून के निशान है, धब्बे हैं, उसके हाथ से जो खून बह रहा था उसके निशान। उसके बाद उसने दरवाजा बंद किया और अपना जख्मी हाथ लेने के लिए यहाँ से नल की तरफ गया, अपना खून धोया। अब सवाल ये उठता है कि कोई आदमी एक फेरी वाले को क्यों मारेगा? क्या वजह हो सकती है? आप मल्हार की मकान मालकिन है? जी, स्वाति नाम है मेरा। स्वाति जी, खबर थोड़ी बुरी है। एक्चुअली मल्हार का खून हो गया। क्या? किसने? बस वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मल्हार की किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, मल्हार तो बिल्कुल शरीफ आदमी था। वो किराया भी हमेशा टाइम पे देता था। ये वेंडर कार्ड मिला है उसके पास से। क्या क्या काम करता था ये? क्या बेचता था? कभी गुड़िया के बाल बेचता था, कभी झालमुड़ी। बहुत मेहनती आदमी था मल्हार। अच्छा, हम इसका कमरा चेक कर सकते हैं? जी हाँ, वो जब भी काम पर जाता है तो साफ सफाई के लिए चाबी देकर जाता है। कहाँ का रहने वाला था ये? जी गोरखपुर। इसमें तो
अभी हिसाब लिखा हुआ है, 180 रुपए, 80 रुपए, 260। सर ये सारे कौन है? एक ही स्कूल के पंपलेट से बने हुए हैं, स्ट्यूस्टन सेकेंडरी हाई स्कूल। सर ये डायरी भी तो स्ट्यूस्टन स्कूल की है। स्ट्यूस्टन स्कूल की डायरी, इतने सारे पंपलेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना सामान उसी स्कूल के बाहर ही बेचता हूँ। अरे भाई सुनो जरा। हाँ बोलो साहब। ये मलार है, इसको पहचानते हो? अरे हम क्या, सभी बच्चे जानते हैं स्कूल के, यही स्कूल के सामने बुढ़िया के बाल बेचता है, बच्चे अक्सर बड़े चाव से खाते हैं। ये आदमी कैसा है मलार? शरीफ आदमी है, एकदम भोला भाला टाइप का, बच्चों से बहुत लगाव है साहब इसको। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया था क्या, कुछ दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी? अरे गरीब आदमी, उसकी क्या किसी से कोई दुश्मनी होगी। लेकिन आप लोग तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप लोग CID से हैं। जी हाँ, CID से ही है। किसी ने उसका खून कर दिया कल रात। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? अरे कल इसी जगह से एक बच्चा गायब हो गया और आज फिर ये मल्हार का खून। बच्चा गायब हो गया, क्या नाम क्या था उसका? पुलिस कंप्लेंट वगैरह कराई आपने? अर्जुन नाम है साहब उसका, वो स्कूल वालों ने कराई है पुलिस कंप्लेंट। अच्छा, लेकिन पुलिस स्टेशन से पता करो उसके बारे में क्या है। सर क्या, कब देखा उसको आखिरी बार? सब जब स्कूल की छुट्टी हुई थी ना, बच्चों के साथ में स्कूल का बस्ता पीछे टांगे हुए बाहर निकला था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। और जब उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी ना, तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया, उसके बाद वो हड़बड़ा के भाग गई। अच्छा सर, पुलिस स्टेशन वाले ने बताया कि अर्जुन की माँ छाया ने कंप्लेन वापस ले ली, ये बोल गई कि अर्जुन घर वापस आ गया है। अच्छा, अर्जुन स्कूल आया था आज? हाँ साहब, मैंने तो नहीं देखा। जब उसका पता देना। सर इधर इंसान का शरीर भी ना किसी पीस ऑफ आर्ट से कम नहीं है। ऊपर वाले ने बड़ी सफाई से, बड़ी कलाकारी से एक एक अंग बनाया है शरीर का, और हर अंग का शरीर में खास पर्पज है। हाँ सर, और इंसान का हर अंग उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता है ना। बिल्कुल, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा नाखून, दिखने में छोटा सा है लेकिन इंसान की पूरी कुंडली खोल सकता है। एक काम करो, तुम्हारा नाखून बताओ। मेरा? अरे हाँ, दिखाओ ना। क्यों? अरे देखते हैं ना तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है, जरा बताओ। दिखाओ दिखाओ। भाई तुम्हारे नाखून तो चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम्हें किसी किस्म की एलर्जी है। अभी अभी हुई? हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ, आज मैंने गलती से ना गुलाब जल का इस्तेमाल कर लिया जिससे मुझे थोड़ी एलर्जी है। तो तुम्हारे नाखून ने बता दिया? खूनी के नाखून ने क्या बताया? बताया? अरे बॉस, खूनी के नाखून ने तो पूरी स्पीच दे डाली। खूनी के नाखून ने बताया कि खूनी को शुगर की बीमारी। डायबिटीज? डायबिटीज। सालों के खूनी का नाखून भी तो दिखा, पता कैसे चला कि डायबिटीज है? अभी बताता हूं। ये देखो बस, ये नाखून जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिला है, इसका रंग देखो, पीला रंग है इसका, जबकि नॉर्मल नाखून ऐसा नहीं होता। मतलब अगर किसी का नाखून पीले रंग का है तो उसे शुगर की बीमारी है। सरों की ये भी तो हो सकता है ना कि खूनी ने किसी पीले रंग की चीज को हैंडल किया हो, जिसकी वजह से उस पीले रंग की चीज का पीला रंग उसके नाखूनों में आ गया। नहीं बस, इस नाखून का पीला रंग रंग नहीं है, ये कलर नहीं है, मैंने सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से पता करवा लिया, इसकी वजह है तारिका। हाँ सही, ये देखिए, ये जो सफेद वाला नाखून है इसका ग्लाइकेटेड नेल प्रोटीन नॉर्मल है, और ये खूनी का नाखून पीला वाला, इसका ग्लाइकेटेड नेल प्रोटीन हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर तो सचिन, इस अपराधी को पकड़ना और भी आसान हो गया।
वो कैसे सर? देखो सचिन, जिस किसी को भी डायबिटीज देना मतलब शुगर की बीमारी होती है, उसकी जख्म जल्दी से भरती नहीं, ये एक बात। दूसरी बात, जब तक वो इंसुलिन नहीं लेता खून फ्लो होते ही रहता है, खून रुकता नहीं है। राइट फ्रेडी, अब शहर में जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी दवाखाने, जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पोता, दोबारा फोन भी तो नहीं कर रहे किडनैपर्स। देख कौन है। आप छाया जी हैं, अर्जुन की मम्मी? जी जी हाँ। आप लोग कौन हैं? हम सीआईडी से। सीआईडी? अंदर आ सकते हैं? जी आइए। अर्जुन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। कौन से दोस्त के यहाँ? इसी बिल्डिंग में रहता है? नहीं नहीं, थोड़ी दूर दूसरी बिल्डिंग में। कौन सी बिल्डिंग है बता दीजिए, हम मिलके आ जाते हैं उससे। सर, मेरा अर्जुन कल से आज तक वापस नहीं आया है घर। सर ये झूठ बोल रही है, इसने पुलिस कंप्लेंट भी कैंसिल कर दी है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पोता। क्या कह रही है ये, इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? सर इसे तो फिक्र ही नहीं है, ये तो बस हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। एक मिनट, जरा शांत हो जाइए, शुरू से बताइए क्या बात है। कोई मेरे बेटे अर्जुन को स्कूल के बाहर से उठा ले गया, फिर मुझे पैसों के लिए फोन आया। मैं पैसे लेके वहां पे पहुंची, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था, और तब से लेके अब तक किडनैपर से दोबारा फोन भी नहीं किया। लेकिन आपने कंप्लेंट वापस क्यों नहीं? सर किडनैपर की धमकी की वजह से। इस फोटो को जरा देखिए, इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? हाँ, ये मल्हार तो अर्जुन के स्कूल के बाहर सामान बेचता है। ऑफिस में काम पड़ जाने पर मुझे अक्सर देरी हो जाती थी अर्जुन को स्कूल से लाने में, तभी ही उसका ख्याल रखता था। क्या आपको लगता है ये किडनैपिंग में मल्हार का हाथ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो बहुत ही साफ दिल का और शरीफ आदमी है। क्यों, तुझे पता है तेरा सगा संबंधी है क्या ये? एक मिनट मैडम, जरा आराम से बात कीजिए, आपकी बहू है वो। रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन की माँ है ये, उसको भी फिक्र है। सब मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना जी? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग सब सीआईडी से, मैं एसीपी प्रद्युमन। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कल रात क्या आपके पास कोई पेशेंट आया था, कोई मरीज जिसके इस उंगली में गहरा जख्म था और खून बह रहा था बहुत सारा, और उसके खून में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा थी? सॉरी सर, रात को तो मेरी ड्यूटी नहीं रहती। कोई बात नहीं, तुम्हें रात को जो भी कोई ड्यूटी पर था या थी, बुलाओ उसे। जी जरूर। सिर्फ तुम तीनों ही थे, डॉक्टर नहीं थे साथ में? सर वैसे तो रहते हैं, लेकिन कल डॉक्टर साहब की तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए रुके नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर प्रतीक। प्रतीक, अच्छा प्रतीक, कल रात ऐसा कोई मरीज आया था यहाँ पर जिसकी इस उंगली में गहरा जख्म था, उसका ये नाखून उखड़ गया था, खून बहुत बह रहा था, उसके खून में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो तुमने उसकी मरहम पट्टी की होगी, इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया होगा? नहीं सर, कल रात ऐसा कोई नहीं आया था सर। कोई भी नहीं आया था? सर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सर, ऐसा कोई नहीं आया था सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हम कहाँ कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मान लिया कि कोई नहीं आया था, लेकिन याद रखना अभी इसके बाद में अगर कोई ऐसा पेशेंट आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है? क्या बात है तारिका जी, मल्हार की लाश को बड़े गौर से देखा जा रहा है। हाँ सर, इसके गले पे
यहाँ ये कुछ हल्के हल्के से निशान नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ है तो सही कुछ निशान है ना, क्या हो सकता है? इसकी गर्दन के इस तरफ तो कुछ नहीं है। कमाल की बात है, गर्दन के उस तरफ तो कुछ नहीं, सिर्फ यही पर ही निशान है। वही तो, किस चीज का हो सकता है निशान? कोई बात नहीं, अभी पता लगाते हैं। क्या ढूंढ रहे सर आप? मिल गया। ये कौन सा केमिकल है? मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। तारिका, लैब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। एक मिनट, तारिका एक काम करो, यूवी लाइट लेके आओ। हाँ। सर, ये तो कोई जादू से कम नहीं है। मतलब ये निशान अंगूठे का है और ये खूनी का हो सकता है। बिल्कुल, मतलब इस मलार की मौत गोली चलने की वजह से नहीं हुई है, इसका गला दबा करके इसे मारा गया है। पहले गोली मारी गई, फिर जब गोली से काम नहीं बना तो इसका गला दबा दिया। लेकिन गला क्यों दबाया? एक गोली से काम नहीं चला तो दूसरी गोली चला था, गला दबाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है उसकी गन में से गोलियां खत्म हो गई हो। लेकिन सर, निशान सिर्फ एक अंगूठे का है, बाकी उंगलियों का क्यों नहीं? देखो, खूनी ने इसका गला जो दबाया है वो ग्लव्स पहन के दबाया है, और हो सकता है उसके बाएं हाथ के ग्लव्स के अंगूठे की तरफ से वो ग्लव फटा हुआ। राइट। इसलिए निशान आ गया। सालुंके साहब, क्या सालुंके साहब, मलार पे गोली चली है ये साफ दिख रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मलार की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। ओके सर, ठीक है। मतलब कहानी में एक और ट्विस्ट। हाँ, आगे प्रतीक। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको रुको। देखो फ्रेडी, अगर इसे पकड़ते थे ना तो ये मौका नहीं मिलता था। चलो इसका पीछा करते हैं। हेलो एसीपी साहब, हम लोग प्रतीक का पीछा कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ओके सर। ये तो कोई लड़की है, लड़की से मिलने आए हैं। च
चलो देखते हैं माजरा है क्या। क्या मैडम, आपने मुझे सीआईडी के चक्कर में फंसा दिया। क्यों, क्या हुआ? सीआईडी आई थी हॉस्पिटल, कह रहे थे कि आपके पति ने किसी का खून किया। क्या ये सच है मैडम? मैडम मैं तो आप अमीर लोगों के बीच में फंस गया हूँ, आपका क्या? आप तो पैसे देके निकल जाओगे, फंसेगा तो ये गरीब आदमी ना। बस कर दो अपना मेलोड्रामा, बोलो कितने रुपए चाहिए। मैं चाहता हूँ जो मेरा बच्चा कुछ हिसाब है आप उसे क्लियर कर दो। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव जा रहा हूँ आराम से सुकून की जिंदगी जीने के लिए। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक बार राहुल की पट्टी चेंज कर दो, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तक इंजेक्शन का असर रहता है तब तक खून रुकता है, उसके बाद फिर बहने लगता है। मुझे डर है कि कहीं राहुल को कुछ हो ना जाए। ठीक है मैडम, इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आओ प्रतीक, जल्दी आओ, आओ अंदर आओ। राहुल देखो, देखो प्रतीक आ गया, अब तुम्हारा दर्द कम हो जाए, फिक्र मत करना। तुम्हें यहाँ तो किसने देखा तुम्हें? अरे नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ हमने देखा। अब सब कुछ यहीं पर बताओगे या बताओ जल्दी? सर मैंने ही मर्डर किया है सर। लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किया सर। बेटी की जिंदगी बचाने के लिए? साफ साफ बताओ। हमारी बेटी कोयल को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके बाद मेरे पास फोन आया, फिरौती की मांग की, और जब मैं पैसे लेकर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था, तभी मुझे किडनैपर का फोन आया, फिर मुझे मजबूरन मलार पर गोली चलानी पड़ी सर। और जब वो तुम्हारी गोली से नहीं मरा तो तुमने उसका गला दबा दिया, क्यों? क्या सर? सर मैंने उसका गला नहीं दबाया सर, उसे गोली मारने के बाद मैंने उसकी लाश को सर कार में रख दिया था। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल गया था अपने ये उंगली का इलाज कराने के लिए, क्योंकि लाश को कार में रखते वक्त मेरा नाखून टूट गया था सर। नाखून? एक बात बताओ, तुम मल्हार को कैसे जानते थे? जब भी मैं कोयल को स्कूल से लाने के लिए लेट पहुंचता था तो मल्हार उसका ध्यान रखा करता था। से देरी से आ पाए। I'm sorry बेटा, लो कान पकड़ के सॉरी। अच्छा वो मलार काका इधर थे, वरना मैं तो बोर ही हो जाती। मलार काका थैंक यू सो मच। आप ये रखिए साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप कोयल का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। आप रखिए प्लीज। नहीं नहीं साहब नहीं। अरे आपके काम आएंगे, आप रखिए रखिए मलार काका, आप रखिए। चलो बेटा घर चले। बाय। सर ये अर्जुन की मम्मी भी बता रही थी ना कि ये मलार अर्जुन का ख्याल रखा करता था, जब कभी भी इन्हें अर्जुन को स्कूल से लाने में देरी होती थी। हाँ सर, अर्जुन और कोयल को अगवा करने में कहीं मलार का हाथ तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मलार को कोई मारता क्यों? ये जरूर उस मुजरिम का काम है जिसने राहुल के गोली चलाने के बाद मल्हार का गला दबाया। ये भी तो हो सकता है सचिन कि पहले मल्हार से जुर्म करवाया और फिर काम होते ही उसे रास्ते से हटा दिया। सर ये आदमी 15 साल पहले गोरखपुर से आया था। इस मल्हार की पूरी कुंडली निकालो। बच्चो बच्चो उठो, खाना खाओ, आओ खाना खाओ, नहीं तो रात भर बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। हुँ?
हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। बच्चों, खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, और कमजोर हो जाओगे तो बाहर कैसे जाओगे? जो खाना नहीं खाएगा उसकी हालत इसकी जैसी हो जाएगी। खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी तरह तुम्हें रोना पड़ेगा उसे। आओ खाना खाओ, आओ आओ बच्चों आओ, प्यार से कह रहा हूं आओ। अच्छा जोजो, तुम आ गए। देखो बच्चों ने तो मेरी बैंड बजा दी, थैंक यू। जोजो तुम हंस रहे हो। राखा, अगर तुम इन छोटे छोटे बच्चों से पिटोगे तो मैं हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा। शाबाश, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, 2 घंटे के अंदर तुम्हारे मम्मी डैडी आने वाले, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। आज तो मजा आ गया अर्जुन, उस गुंडे अंकल को कैसे नानी याद दिलाई ना। हाँ रे, हम लोग मम्मी पापा को भी बताएंगे कि हम लोग उस गुंडे की छुट्टी कर दी। हाँ क्यों कोयल, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हो रही हो? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे हम लोग अभी मम्मी के पास तो जा रहे हैं हम सब, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। रुको, वो लड़का कहाँ है? मैं इधर हूँ अंधे अंकल, मतलब गंदे अंकल। बच्चों, फिर कुछ हुआ क्या? नहीं। बच्चों, बाहर तुम लोगों के मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे हमारे मम्मी पापा कब आएंगे? रुको, आ जाएंगे आ जाएंगे, रुको। हेलो मैडम। हाँ, कपल्स को अंदर भेजो। आता हूँ मैम, लेके आता हूँ, आइए। हेलो मैडम, ये राकेश और उनकी पत्नी। बैठिए। थैंक यू। राकेश जी, आपकी तो खुद की बेटी है, तो फिर आपको बच्चा क्यों खरीदना है? नौकर कितने महंगे हो चुके हैं, और वैसे भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और ये बच्चे हैं, अगर इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दे तो जिंदगी भर आपके गुलाम बनेंगे, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर देर किस बात की, चुन लीजिए अपनी पसंद का बच्चा। क्या नाम है इसका? अर्जुन नाम है इसका, बहुत शरारती है, 2 दिन में सारी शरारत भूल जाएगा। राका, इन्हें बाहर ले जाओ और सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करा के बच्चा इन्हें दे दो। ओके, थैंक यू मैम। चलिए। ये राका आया नहीं अभी तक, बाहर जाके देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या हुआ, कहाँ गए सब? राका, 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 क्या हुआ? किसने मारा? हमने। अरे जोजो, आप लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला?
तुम्हारा मोबाइल फोन ट्रैक करके स्वाति उर्फ रत्ना मैडम। रत्ना, लेकिन ये नाम तो गोरखपुर का था। जब हम मल्हार की कुंडली निकालने के लिए गोरखपुर गए थे तब तुम्हारी कुंडली हमारे हाथ लग गई। उस क्रिमिनल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि तुम दोनों पहले से साथ में काम करते थे और वहां भी तुम लोग बच्चों की तस्करी करते थे। मैं और मल्हार बच्चों को अगवा करके अमीर लोगों को बेचा करते थे और वो लोग उनसे घर के काम करवाते थे, नौकर बना के रखते थे। एक औरत होकर तुम्हारे दिल में जरा सी भी ममता नहीं है? एक बार भी नहीं सोचा ये घिनौना काम करने से पहले कि इन मासूम बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नहीं सोचा, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। इतना पैसा नजर आया कि तुमने अपने खुद के पार्टनर मल्हार को मार डाला पैसों की लालच में। उसकी मौत की वजह लालच जरूर था, लेकिन मेरा लालच नहीं, उसका खुद का। उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए था। वो बच्चों के माँ बाप से भी पैसे हथियाने में लगा हुआ था। और तुम्हें लगा उसके इस हरकत से तुम्हारे इस रैकेट पे खतरा पड़ सकता है, तो तुमने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, मैंने राहुल के जरिए उसे गोली मरवाई जरूर थी, लेकिन जब मैं लाश देखने के लिए गई तो वो जिंदा था, इसलिए मैंने खुद उसका गला घोंटकर उसे वहां मार दिया। और आप लोगों को क्या लगा ये बच्चे कोई सब्जी तरकारी है जो बाजार से खरीदने निकले थे? कानून आप सबको कड़ी से कड़ी सजा देगा। भेजा सबको, चलिए चल चलो जल्दी सब। अंकल, आपने हमें बुरे लोगों से बचा लिया। अरे बचाता कैसे नहीं, मैं तुम सबका बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.